तो भाई वैकेशन है वैकेशन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सज्जन। सुबह हो चुकी है और सुबह के राम राम। मैं हूँ आपकी अपनी रोशनी चौहान। सुबह का घर देख लीजिए, पूरा रात को पता नहीं क्लीन करके सोते हैं, फिर भी सुबह होते ही इतने बर्तन कैसे हो जाते हैं। और देख लीजिए घर की हालत क्या हो रही है। अभी हस्बैंड जी जाएंगे तो सोफ़ा खाली होगा, तो मैं यहाँ से क्लीन करूँगी। और पूरा मतलब आज तो बहुत गंदा हो रहा है, और ऊपर भी मेरे आज बहुत क्लीनिंग करनी है। यहाँ पे भी मुझे बेड शीट निकालनी है, पौधों को पानी पिलाना है, बाहर झाड़ू पोछा करना है, सारा काम अभी आज पता नहीं। पानी बंद कर दो, पानी बंद करो, धुल रहे कपड़े। देखिए जी, आप किचन को क्लीन नहीं करोगे ना तो आपको खुद को ही पसंद नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि हम खाना बनाए ना बनाए, नेगेटिविटी बहुत आती है वहाँ। किचन में जाते ही हमें आलस आता है। जो किचन जितना क्लीन रहेगा, किचन जितना खाली रहेगा ना, इतना ही काम करने को आपको बड़ा मज़ा आएगा। जो काम आपका 2 घंटे में होता है ना, वो आधे घंटे में ही हो जाएगा, समझ लीजिए आप। तो 2 घंटे का काम आप आधे घंटे में कर लोगे, क्योंकि सारी चीज़ें क्लीन होती है और हमारा मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं हम लोग के। बस हम बहुत क्लीनिंग है तो हम पॉजिटिविटी आती है ना, तो हमारा काम फटाक से हो जाता है। 3-4 दिन होते ही मैं बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। देखो गंदी तो मेरी बेडशीट नहीं होती है, पर जो डस्ट वगैरह लगता है, हम सोते हैं तो हमारा खुद का पसीना होता है, उसी से फिर हमें सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। इससे तो मैं 3 दिन होते हैं ना, 4 दिन होते हैं ना, तुरंत ही बेडशीट को बदल लेती हूँ। इसे आज करेंगे यहाँ की सफाई। कारपेट हमने वॉश कर लिए हैं, वहाँ पे वो सीढ़ी क्लीन कर रही है, यहाँ पे मैं क्लीन कर लेती हूँ। देखिए यूज नहीं होता है पर मिट्टी जरूर लगती है, तो उसको क्लीन करना चाहिए, नहीं तो अच्छे अच्छे घर भी खराब हो जाते हैं। कपड़े हमारे वॉश हो चुके हैं और आज एकदम से थोड़े से ही कपड़े थे। इस मेरा कैसा है ना कि जब मैं काम करने बैठती हूँ तो 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। जैसे वो झाड़ू पोछे कर रही थी और ठंडक थी ऊपर, तो मैंने सोचा धूप में ही थोड़ा गर्मी हो जाएगी, 11-12 बजे तक फिर प्रेस करने का क्या मतलब है। तो शावर लेना सुबह सुबह इतना जरूरी नहीं है, चलो पहले अपने प्रेस का काम बता देते। तो मेरे सारे कपड़े मैं जो वॉश करती हूँ वो वहीं टिंगा देती हूँ, फिर सारे कपड़ों को मैं प्रेस करती हूँ, फिर उसको अलमारी में रखकर रोज एवरी डे ऐसे अलग अलग कपड़े पहनती रहती हूँ। तो मुझे प्रेस किए बिना बिल्कुल कपड़े पसंद नहीं होते हैं। इसी तरह मैं मेरा काम को एडजस्ट करती हूँ। मैंने पहले डस्टिंग की, उसने झाड़ू निकाला, पोछा लगाया, इस तरह से मेरा काम कंप्लीट हो गया।
तो मैंने बहुत सी क्लिपें नहीं ली है, तो बस अभी बन रही है चाय वाईजी के लिए और मेरे लिए कॉफी, जैसे कि मेरी गिफ्टों में आया हुआ है मेरे सारे कप्स गिफ्ट में। तो देखो हस्बैंड जी के साथ तो मेरा हो ही नहीं रहा है, मेल पड़ ही नहीं रहा है कि मैं उनके साथ बैठ के कॉफी पीऊँ और आराम से कुछ इंजॉय कीजिए करूँ, क्योंकि हर संडे को उनको कुछ ना कुछ काम आ जा रहा है। तो मैंने सोचा चलो आज दीदी के साथ ही हम इंजॉय कर लेते उसी कपों के साथ। तो देखो मैंने ले लिए है दो कप, एक में जाएगी मेरी कॉफी, एक में जाएगा चाय, और साथ में हमने जो सातम की पूड़ी बनाई थी वो हमारे पास अभी पड़ी है, तो हम थोड़ा सा उसको भी इंजॉय करेंगे। उससे भी मतलब हम शाम का तो लग रही है 4:30 बज चुकी है। और चलो भाई जी का रिएक्शन बताते, आज भाई जी खड़े नहीं होंगे क्योंकि वो वैकेशन करने के लिए आए हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कितनी देर से वैसे ही बैठे हुए हैं, मतलब लेटे हुए हैं। वाईफाई चला लो, खत्म हो गया हो तो नेट। नहीं अभी तो है, रात तक तो खत्म हो जाएगा। बस थोड़ी बहुत पूरी रही है वो भी आज हम निपटा देते। पहले जाएगी कॉफी क्योंकि चाय मैं पीती नहीं हूँ, बाद में चाय। भाई जी को चाहिए एकदम थोड़ी सी चाय पर मजेदार चाय। अब देखो जी चाय मैंने मजेदार बनाई या नहीं। पूरा कस निकलेगा भाई इसका तो। देखो लोग दो घंटे या डेढ़ घंटा सो के मुंह तो वॉश करते हैं ना, पियर में आके उन्होंने वो भी छोड़ दिया, मुंह भी वॉश नहीं करना, नहीं करना, सिर्फ चाय पीनी। सारे रूल्स यहाँ पे टूटे जाएंगे 15 दिन के लिए, सारे रूल्स टूट जाएंगे, जो जो रूल्स उन्होंने बनाए हुए हैं ना घर पे और कूट कूट के बच्चों को भी सिखाया हुआ है वो खुद ही फॉलो नहीं करेंगे। देख लीजिए तो गाइज हम रेडी हो चुके हैं डी मार्ट जाने के लिए, क्योंकि मेरी जो धर्म की बेटी बनाई हुई है उसके मंडे के दिन उसके बर्थडे है, तो बस उसके लिए कुछ गिफ्ट लानी है। तो मैंने सोचा कुछ अनाप शनाप देने से बेटर है कि वैकेशन पूरा होगा तो इसको जो यूज़ होगा वही चीज़ ला के दूँ तो अच्छा रहेगा, तो बस वही लेने जा रहे हैं। तो मैंने सारा घर का काम फिनिश कर दिया, बर्तन कर दिए, झाड़ू निकाल दिया, सब कर लिया है। शाम की 5:15 बज चुकी है और भाई जी भी रेडी होकर बैठे हैं और उनकी बेटी से बातें कर रहे हैं। कहाँ गई? हेलो, वो वहाँ बैठी बैठी। हाय गाइस, बेटी को भी नहीं पता और भाभी को भी नहीं पता, बेटी कैसा वो आपके आपसे ही सीखा हुआ है, आपसे ही सीखा हुआ है कैसे सरप्राइज दी जाती है ना। सही बात है, सही बात है। चलो बाय बाय, बाय बाय, चलो गाइस। हाँ भाई काम नहीं रहेगा ना। हाँ बास्केट ले लेता नहीं। मार्ट आए और गाइस कौन खाए बिना जाए ऐसा हो सकता है क्या?
माय फेवरेट पॉपकॉर्न। दीदी मना कर रही है, मुझे नहीं खाना। खा जो मनी आ रही। थैंक यू। तो भी ना खा गाइस। तो हम डिमांड जाके आ गए, फिर गए बड़े घर पर और वहां से आई हूँ। पूजा पाठ कर दी है मैंने। अब मैं बना रही हूँ मिक्स दाल और परोठे। तो दाल मैंने बस भिजो दी है, बस अब मैं चढ़ा दे रही हूँ सारे मसाले डालकर सब अंदर, मतलब क्या कहते हैं उबालने में भी सब मिर्ची नमक सब डाल देंगे। बस फिर बाद में उसको खाली छोकना रहेगा, वघारना रहेगा। और आज बन रहा है पराठे, क्योंकि आज है 11, तो चावल नहीं बनाते। 11 के दिन हम चावल नहीं बनाते। चलो मैं मिलती हूँ आपको बाद। गाइस हमारा खाना वगैरह हो चुका है और आज हमने खाया है मिक्स दाल, परोठे, दाल, ये सब चीजें। चलो बदतमीज हो गए लोग। पकड़ी खेलने जा रहा है अभी तेरे को भागने का। मैं इसको पास दे दिया। वैकेशन एंजॉय, वैकेशन एंजॉय की हो रही जा रहा है, एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। इनको भगाओ, इनको इनको भगाओ, इनको खाली आ लोगो एकला ज रहे। देखो भाई वैकेशन है, वैकेशन वैकेशन। ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।